गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कक्षा 12 में प्लांट ग्रोथ चल रहा है, पादप वृद्धि के बारे में हम पढ़ रहे हैं और पादप वृद्धि के स्थल ये टॉपिक चल रहा था जिसमें मैंने आपको पहला बताया था कि मेरिस्टेम जो है वो तीन प्रकार का होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से उसको रिवाइज कर देता हूँ। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो कहाँ पाया जाता है, रूट एंड शूट के सीड्स पर पाया जाता है और इन कोशिकाओं में लगातार विभाजन करने की क्षमता होती है। इनकी कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त होती है, इनके अंदर केंद्रक बड़ा होता है और साथ ही साथ जीवद्रव्य सघन होता है और जब ये कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और फिर उन नई बनी कोशिकाओं में विवर्धन और उसके बाद विभेदन होगा। तो विवर्धन और विभेदन के बाद स्थायी ऊतकों में यानी परमानेंट टिश्यू में वो बदल जाते हैं और स्थायी ऊतकों के निर्माण से जब स्थायी ऊतक बन जाएंगे उसके बाद मुख्य रूप से पौधों की लंबाई बढ़ती है और इस प्रकार की वृद्धि यानी जो वृद्धि एपिकल मेरिस्टेम से होती है उस प्रकार की वृद्धि को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। दूसरा आता है इसमें इंटर कैलरी मेरिस्टेम, दूसरी साइड यानी दूसरा जो भाग है वो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, अंतर्वेशी विभिज्योतक। तो सब जितने भी विद्यार्थी हैं सबने गन्ना तो देखा ही होगा और गन्ने में इस तरह से आप देखोगे तो बीच में आपको एक सख्त भाग नज़र आएगा जहाँ पर गन्ने का रस बहुत कम होता है या होता ही नहीं है और उसके बीच बीच में जहाँ पर गन्ने का रस प्रचुर मात्रा में होता है एक भाग वो होता है। तो ये गन्ने का क्या है, एक तना है और इस तने में जो बीच का भाग है ये वाला, इसको हम कहते हैं इंटरनोड। इंटरनोड को हिंदी में कहते हैं पर, ठीक है। और जो ये वाला भाग है, जो मोटा भाग है ग्रोथ, जो आपको गहरी जो गहरा भाग दिख रहा है वो क्या है, ये है नोड, इसको हम पर्व संधि कहते हैं। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम नोड में उसके ऊपर होता है यानी पर्व से नीचे और नोड में ऊपर। इसको हम बड़े भाग में देखें इस तरह से, ये अगर बड़ी संरचना देखें तो ये नोड की कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं हैं, ये नोड की कोशिकाएं हैं और इन कोशिकाओं में ये वाली जो कोशिकाएं हैं ऊपर वाली, ये कोशिकाएं कौन सी हैं, इनको हम कहेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। ये हैं अंतर्वेशी विभिज्योत की कोशिकाएँ। तो इन अंतर्वेशी विभिज्योत की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं नोड के ऊपर पाई जाती हैं और इस ऊतक की क्रियाशीलता से किसकी वृद्धि होती है, इंटर नोड की वृद्धि होती है यानी कि विभाजन ये करेंगी और वृद्धि किसकी होगी, इंटर नोड की यानी मध्य वाले भाग की होगी यानी ग्रोथ जो है वो यहाँ होगी, ठीक है, क्लियर। इस तरह से ग्रोथ तो यहाँ होगी, तो जब नोड की कोशिकाओं में विभाजन होता है तो इंटर नोड की वृद्धि होती है। तो पर्व में वृद्धि होने का मतलब क्या है, तने की लंबाई बढ़ जाती है। अब इसमें अगर वृद्धि होगी तो गन्ना क्या है, लंबाई में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से गन्ने में उसके स्टेम में वृद्धि लंबाई में किसकी वजह से होती है, नोड में उसके ऊपर स्थित मेरिस्टेमेटिक जोन होता है जो कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहलाता है, उसमें विभाजन से पर्व की लंबाई बढ़ती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे ग्रासेस में इस तरह से इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, जो बैम्बूसा है, बैम्बूसा यानी बांस का जो पादप है, बांस की जो जातियां हैं वहाँ पर अगर आप देखोगे तो अंदर से जो तना है उसका खोखला होता है, उसके बाहर जो जहाँ पर खोखला भाग है वो वाला हिस्सा क्या है, वो तो होता है उसका पर्व और जो थोड़ा सख्त होता है गन्ने की तरह वो होता है उसका नोड यानी कि पर्व संधि। और तीसरा उदाहरण है ये सेकेरम ऑफिसिनेरम, गन्ने का बोटेनिकल नेम क्या है, सेकेरम ऑफिसिनेरम, गन्ने में इस तरह की इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाई जाती है। अगला है नेक्स्ट, इंटर कैलरी मेरिस्टेम के बाद तीसरा वो है लेटरल मेरिस्टेम।
लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम मैंने आपको बताया था कि जो सक्रियता है लेटरल मेरिस्टेम की वो तने और जड़ की मोटाई बढ़ाती है। तने और इसका मुख्य क्या है, तने और रूट की मोटाई बढ़ती है, ठीक है। इसकी क्रियाशीलता से, क्लियर, इसकी क्रियाशीलता से तने और रूट की क्या बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, क्लियर। अब देखो, अरे इसकी क्रियाशीलता से तने, अरे यार मार्कर ही काम का नहीं रहा, वह रूट की मोटाई बढ़ती है, ठीक है। किसकी क्रियाशीलता से बढ़ती है, लेटरल मेरिस्टेम की क्रियाशीलता से तने और रूट की क्या बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है। अब इसका एग्जांपल देखें हम कौन कौन से हैं, तो वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉरक कैम्बियम, जो सेवन एदा और साथ ही साथ कॉरक कैम्बियम कॉर्क एदा, ये दोनों इसके एग्जांपल हैं। तो सेवन एदा और कॉर्क एदा है, जब इनमें वृद्धि होगी या इनकी कोशिकाएं जब वृद्धि करती हैं तो होती है सेकेंडरी ग्रोथ। इस प्रकार की वृद्धि क्या कहलाती है, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। यानी जब वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम में या कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता होगी तब क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। और अधिकतर कैसे पौधों में होती है, कैसे पादप में होती हैं, तो अधिकतर पाई जाती है ये अधिकतर पेरेनियल प्लांट में, अधिकतर किस में होती हैं, पेरेनियल प्लांट में होती है, जो बहुवर्षीय पादप होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। तो पेरेनियल प्लांट बहुत सारे हैं, जैसे जिम्नोस्पर्मिक पादप हैं वो कैसे हैं, पेरेनियल प्लांट हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। एग्जांपल देखें हम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है, जो अनावर्त बीजी पादप हैं वो। इसके अलावा एंजियोस्पर्मिक डाइकोट, जो एंजियोस्पर्मिक डाइकोट हैं वो भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो ये आता है लेटरल मेरिस्टेम। अब आगे हम बात करेंगे फेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि वृद्धि की प्रावस्था क्या क्या है, पादपों में वृद्धि की प्रावस्था क्या क्या है। ये तो हमने तीनों मेरिस्टेम के बारे में जान लिया, आगे हम जानेंगे वृद्धि की प्रावस्थाएँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, मेरिस्टेमेट कोशिकाओं द्वारा जब मेरिस्टेम कोशिकाओं की क्रियाशीलता होती है, मेरिस्टेम की क्रियाशीलता द्वारा या मेरिस्टेम में माइटोसिस द्वारा, माइटोसिस, दो मिनट, कितना गिर गिर है, तो मेरिस्टेम में माइटोसिस यानी जब समसूत्री विभाजन होगा तब नई कोशिकाओं का निर्माण होता है,
और जब समसूत्री विभाजन होता है तो नई कोशिकाएं बनती हैं और नई कोशिकाओं से बाद में ग्रोथ के द्वारा फिर स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। तो इस तरह से मेरिस्टेम की क्रियाशीलता द्वारा नए उत्तक बनाए जाते हैं और विभाजन हमेशा कैसा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो वृद्धि की तीन प्रावस्था है, वृद्धि की कितनी प्रावस्था है, वृद्धि की तीन प्रावस्थाएं मुख्य रूप से मानी जाती हैं। पहली जो प्रावस्था है वो है कोशिका निर्माण, या इसको हम सेल फॉर्मेशन, या हम इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं विभाजन प्रावस्था। इसके अंदर कोशिकाओं में क्या होगा, विभाजन होता है। तो कौन सा विभाजन होता है, ये होता है समसूत्री विभाजन। तो वृद्धि का प्रारंभिक चरण माना जाता है, पहली जो प्रावस्था है, आज तो मार्कर सारा ही बेकार हो गया, नंबर एक प्रावस्था क्या है, सेल फॉर्मेशन और सेल डिवीजन, ठीक है, यानी कोशिका निर्माण या कोशिका विभाजन। तो इसका देखिए हम मुख्य रूप से ये है वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था। सबसे प्रारंभिक अवस्था क्या है वृद्धि की, विभाजन की अवस्था ही होती है, सबसे पहले विभाजन ही होते हैं। इसके अलावा इसमें कोशिकाएं संख्या में बढ़ती हैं, तो कोशिकाएं जो हैं वो संख्या में बढ़ती हैं। इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है कोशिकाएं संख्या में बढ़ती हैं। विभाजन कैसा होता है, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, समसूत्री विभाजन होगा। इसके साथ ही मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं लगातार समसूत्री विभाजन करती हैं। अब जो विभाजनशील कोशिकाएं हैं उनका न्यूक्लियस कैसा होता है, तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं उनमें न्यूक्लियस कैसा होगा, बड़ा होता है। इसके अलावा जीवद्रव्य सघन होता है, ठीक है, जीवद्रव्य कैसा होता है, सघन, और साथ ही साथ कोशिका भित्ति कैसी होगी, पतली कोशिका भित्ति होती है, पतली सेल वॉल होती है, ठीक है, इस तरह से कोशिका भित्ति पतली होती है, जीवद्रव्य सघन होता है और न्यूक्लियस कैसा होता है, बड़ा होता है। और इस प्रावस्था को सेल फॉर्मेशन या सेल डिवीजन प्रावस्था को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं प्री फॉर्मेशन फेज, हिंदी में कहेंगे पूर्व निर्माण अवस्था, पूर्व निर्माण अवस्था। इस अवस्था को देखिए, पादप वृद्धि की हम तीन अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। पहली अवस्था है कोशिका विभाजन अवस्था या कोशिका निर्माण व्यवस्था, और इसे हम पूर्व निर्माण अवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पादप अपने आप को तीव्रता से वृद्धि के लिए तैयार करता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्री फॉर्मेशन फेज कहते हैं। अगला नंबर जो है वो है नंबर दूसरी प्रावस्था, वो है सेल एलोंगेशन, कोशिका विवर्धन, नंबर नेक्स्ट है कोशिका विवर्धन, दूसरा सेल एलोंगेशन फेज, कोशिका विवर्धन। देखिए कोशिकाओं ने विभाजन कर लिया है, अब वो कोशिकाएं विवर्धित होती हैं, विवर्धित होने के दौरान उनमें छोटी छोटी रिक्तिकाओं का निर्माण होता है जो मिलकर बड़ी रिक्तिका बना लेती हैं, और इस प्रावस्था में केंद्रक और साइटोप्लाज्म कहाँ चले जाते हैं, उसके परिधीय क्षेत्र में चली जाती है, ठीक है। तो विभाजन के बाद विभाजोतक से जो विभाजन के बाद बनी कोशिकाएं, विभाजन के बाद बनी कोशिकाएं कैसी वृद्धि करती हैं, अनुत्क्रमणीय वृद्धि करती हैं, यानी एक बार जब वो अपना आकार बढ़ा लेती हैं तो वापस पुराने आकार में नहीं आती हैं, इसलिए अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय में तो उल्टा हो जाता है, तो अनुत्क्रमणीय वृद्धि करती हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब इसमें विवर्धन होता है तो कोशिकाओं में छोटी छोटी, इस दौरान कोशिकाओं में क्या बन जाती हैं, छोटी छोटी रिक्तिकाएं बन जाती हैं, वॉक्यूल्स बन जाती हैं, रिक्तिकाएं बन जाती हैं।
पहले तो छोटी छोटी बनती हैं और फिर ये मिलकर के बड़ी रिक्तिका बना लेती हैं, मिलकर एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका बना लेती हैं, केंद्रीय रिक्तिका बना लेती हैं, ठीक है। यानी पहले क्या हुआ, छोटी छोटी रिक्तिका बनी, अब इन्होंने मिलकर एक बड़ी रिक्तिका बना ली। और जो साइटोप्लाज्म और केंद्रक हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये कैसे हो जाते हैं, ये चले जाते हैं परिधि में, परिधि की ओर या भित्ति की ओर, भित्ति के पास वाला जो क्षेत्र है उसको परिधीय क्षेत्र कहते हैं। और परिधीय क्षेत्र में साइटोप्लाज्म और केंद्रक चला जाता है। और इस एलोंगेशन प्रावस्था के दौरान पादप का क्या बढ़ता है, पादप का शुष्क भार बढ़ता है, पादप का शुष्क भार और आयतन इस सेल एलोंगेशन फेज के दौरान बढ़ता है। इसके बाद बस एक लास्ट और है, तीसरी जो व्यवस्था है, जो अवस्था है, उसको हम कहते हैं सेल मैचुरेशन फेज। कोशिका परिपक्व प्रावस्था, कोशिका परिपक्व प्रावस्था, ये तीसरी फेज है इसकी। तीन व्यवस्था है, तीन अवस्था है, पहला विभाजन वाला था, दूसरा एलोंगेशन वाला था, और तीसरी व्यवस्था क्या है, कोशिका विभेदन या मैचुरेशन, या इसको हम विभेदन भी कहते हैं, सेल डिफरेंटिएशन फेज, ये भी इसका नाम है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब इस दौरान क्या होता है, इसमें कोशिकाएं विभेदन करती हैं, तो कोशिकाएं सेल्स विभेदन द्वारा स्थायी ऊतक बनाती हैं, विभेदन द्वारा क्या बनाती हैं, स्थायी ऊतक बनाती हैं। कोशिकाओं की आकृति और आकार में, आकृति व आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है, आकृति और आकार में परिवर्तन होता है। कोशिकाएं कार्य अनुरूप, सेल्स कार्य अनुरूप विभेदित हो जाती हैं। यानी पहले तो सारी कोशिकाएं एक साथ थी, अब कार्य अनुरूप विभेदित हो जाती हैं। कैसे, जैसे फ्लोयम है और जाइलम है, तो जाइलम तो जल का ऊपर की ओर सेवन के लिए विभेदित हो जाता है, और कुछ कोशिकाएं जाइलम के रूप में विभेदित हो जाती हैं जो जल को ऊपर की ओर ले जाती हैं, यानी कि जल का सेवन करती हैं, और कुछ कोशिकाएं जैसे फ्लोयम के रूप में विभेदित हो जाती हैं जो कि संचित भोज्य पदार्थों का स्टोर या स्टोरेशन या स्टोर करती हैं, उनको स्टोरेज करती हैं। इसके बाद यांत्रिक ऊतकों की कोशिका भित्ति मोटी हो जाती हैं, जो मैकेनिकल टिश्यू हैं जैसे स्थूल कोणों तक हैं, उनमें कोशिका भित्तियाँ कैसी हो जाती हैं, मैकेनिकल टिश्यू की सेल वाल कैसी हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, ठीक है, मोटी हो जाएगी, क्लियर। जब विभेदन होगा तो कोशिका भित्ति कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। जाइलम और फ्लोयम विभेदित हो जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोयम विभेदित हो जाते हैं, ठीक है, जाइलम और फ्लोयम विभेदित हो जाते हैं। और इसके अलावा इसमें और क्या है, कोशिकाओं की फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन में परिवर्तन होता है। जो कोशिकाएं पहले एक नॉर्मल उपापचयी क्रियाएं कर रही थी, अब उनमें क्या होगा, फिर आगे श्वसन क्रिया, ठीक है, फिर वाष्पोत्सर्जन, उसका भी इफेक्ट होगा, स्फीति दाब, भित्ति दाब, ये सारे क्या हैं, उसके अंदर होने लगते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बायोकेमिकल और फोटोकेमिकल और उसके साथ साथ फिजियो केमिकल या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन इनके अंदर परिवर्तित हो जाती हैं, और इस प्रकार प्रत्येक कोशिका का संरचनात्मक और उसके साथ साथ कार्यकी रूप में और जैव रासायनिक रूप में विभेदन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तीन फेज कोशिका वृद्धि के, या हम कह सकते हैं पादप वृद्धि के पाए जाते हैं। अगली क्लास में हम वृद्धि बल गतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे, काइनेटिक ग्रोथ के बारे में। थैंक यू।